नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो मैंने शुरू किया था रात को डिनर के बाद से। डिनर सभी का हो चुका था और शाम को ही हस्बैंड शाम को कुछ फ्रूट्स वगैरह लाए थे, तो उनको मैं निकाल रही हूँ और जो फ्रूट्स धुलने के लिए है तो उनको भी मैं धोती जाऊँगी। और जब सारा काम रात में हो जाता है तो उसके बाद भी कुछ काम रह जाते हैं, तो उन कामों को भी मैं करती जाऊँगी। और जो फ्रूट्स हैं तो वह मैंने रख दिए थे धुलकर, और फिर इसके बाद करती हूँ आगे की तैयारी। किचन काउंटर टॉप मैंने साफ कर लिया था और जो गैस चूल्हा था तो वह भी साफ कर दिया था। इसके बाद मुझे ऑयल भरना था कंटेनर में। जो कंटेनर मैंने धुले हुए थे तो उन दोनों कंटेनर में मैं ऑयल भर दूंगी। और कुछ वेजिटेबल भी काट कर रख रही थी, तो करेले मैंने काट कर रख लिए थे और जो दूसरा वाला कंटेनर था ऑयल का, तो उसको भी मैं भरती जा रही हूँ। ये दोनों कंटेनर भर गए हैं क्योंकि सुबह सुबह इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसके बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स के कंटेनर थे तो उनमें भी ड्राई फ्रूट्स कम हो गए थे, तो बस उसमें भी मैं भरती जा रही हूँ। फिर सब छोटे छोटे जो काम होते हैं, तो जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता रहता है तो बीच बीच में ये सब काम भी होते रहते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स भी मैंने कंटेनर में भर दिए थे और बस इस तरीके से मैं मेरे जो कुछ काम है तो मैनेज करती हूँ। और छोले को मैं भिगो रही हूँ क्योंकि सुबह में छोले बनाने वाली हूँ। छोले को मैंने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया था और उसको ढक्कन से कवर कर दिया था, तो ये सुबह तक फूल जाएंगे। फिर मिलती हूँ मैं सीधा मॉर्निंग में। सुबह उठने के बाद जो योगा एक्सरसाइज वगैरह होता है मेरा, तो वह मैंने कर लिया था। फिर इसके बाद जो मॉर्निंग की झाड़ू है तो वह भी मैं लगाती जा रही हूँ। झाड़ू मैंने लगा दी थी और सब जगह की झाड़ू का जो कचरा होता है तो बस यहीं पर मैं इकट्ठा कर उठाती हूँ। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और जो छोले मैंने रात में भिगोए हुए थे तो इनको भी मैं बॉईल करने रख दूंगी। छोले मैंने पानी से अच्छे से धो लिए हैं और छोले धोने के बाद मैंने साथ में आलू को भी बॉईल होने के लिए रखूंगी। और कुछ छोले मैंने टीटू मिट्टू के लिए भी निकाल दिए थे क्योंकि वह भी खाएंगे। फिर इसके बाद मैं आलू भी साथ में छीलती जा रही हूँ और आलू को मैं छीलने के बाद ही छोले के साथ बॉईल होने रखूंगी। और फिर आलू भी छिल गए थे और थोड़ा सा नमक डालने के बाद फिर मैं इनको बॉईल होने के लिए भी रख दूंगी। छोले बॉईल करते समय नमक डालने से छोले फीके फीके नहीं लगते, उनमें नमक का जो टेस्ट होता है तो वह अच्छे से आ जाता है। फिर नमक भी डल गया था और नमक डालने के बाद छोले को मैं बॉईल होने के लिए रखूंगी। और बस थोड़ा थोड़ा सा जो किचन काउंटर टॉप है उसको भी मैं साफ़ करती जाऊँगी, जिससे किचन भी क्लीन रहे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी अब पोछा भी मुझे लगाना था, तो बस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी जो क्लीनिंग है तो वह मैं करूँगी। और जो मिरर लगे हुए हैं तो उनको मैं डिटर्जेंट पाउडर से साफ कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मैंने डिटर्जेंट पाउडर से नहीं धुले हैं और इसको मैं बीच बीच में कॉलिन से साफ करती रहती थी। तो बस थोड़ा सा मैंने इसमें डिटर्जेंट लगा दिया है और इसे पानी से वॉश भी कर लूँगी, मिरर अच्छे से भी साफ हो जाएंगे। और इस तरीके से बीच बीच में भी थोड़ी थोड़ी सी क्लीनिंग हम करते रहते हैं तो घर हमारा हमेशा ही साफ रहता है। डिटर्जेंट पाउडर लगाने के बाद फिर मैं इसमें पानी डालती जा रही हूँ और पानी डालने के बाद फिर मैं इसको वॉश भी कर लूँगी। और फिर बाकी जो मिरर लगे हुए हैं तो उन सभी को भी मैं डिटर्जेंट पाउडर से साफ करती जा रही हूँ। इससे जो मिरर होते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा शाइन आ जाती है। इस पर भी मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाया हुआ है। पानी लगाने के बाद यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा पानी मैं साफ कर लूँगी और फिर न्यूज़पेपर से इसको मैं पोछ लूँगी। न्यूज़पेपर से पोछने से जो मिरर होते हैं तो उनमें बिल्कुल भी निशान नहीं आते, एकदम साफ हो जाते हैं मिरर। तो बस न्यूज़पेपर से मैं पोछती जाऊँगी और जो सारे मिरर हैं तो उनको भी मैं इसी तरीके से पोछती जा रही हूँ। दोनों मिरर पोछ लिए थे मैंने। फिर इसके बाद जो बेडरूम में अलमारी रखी है तो उसमें भी मिरर लगे हुए हैं, तो इन सारे मिरर को भी मैं अच्छे से पोछती जा रही हूँ। बीच बीच में मैं इन सभी को भी पोछती रहती हूँ, पर आज मैं डिटर्जेंट पाउडर से साफ कर रही हूँ तो सभी जो मिरर लगे हैं तो उनको भी मैंने अच्छे से साफ कर लिया था। और जो अलमारी थी तो उसको मैं कॉलेज से भी साफ करती जा रही थी। तो ये सारे जो काम होते हैं तो ये जो काम होते हैं तो सभी घरों में होते हैं, बस सभी के काम करने का तरीका अलग होता है। फिर इसके बाद मैं किचन में आ गई थी और जो छोले मैंने बॉईल होने के लिए रखे थे तो वह भी बॉईल हो गए थे, तो बस इनको मैं
साइड में रख दूंगी और फिर जो बाकी का काम है तो वह भी मैं कर लूंगी। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ वॉश बेसिन के पास। तो वॉश बेसिन के पास जो खिड़की है तो इसमें मच्छर जाली लगी हुई है, तो इसमें काफ़ी सारा डस्ट इकट्ठा हो गया, क्योंकि ये खिड़की किचन की है, तो इसमें जो थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं तो धुआं वगैरह निकलता रहता है, तो जो मच्छर जाली लगी है तो उसी में इकट्ठा होता रहता है। तो बीच बीच में इसको मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि इससे फिर हवा भी नहीं आती है। फिर जो खिड़की थी तो उसको मैं ब्रश से अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ, और ये मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ तो ये आसानी से साफ भी हो जाती है। फिर जो खिड़की थी तो उसको मैंने सिर्फ सूखे ब्रश से ही साफ़ किया था। फिर उसके बाद जो वॉश बेसिन लगा हुआ है तो उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी, क्योंकि खिड़की साफ़ की है तो थोड़ा डस्ट यहाँ पर भी आ गया था। वॉश बेसिन को मैं अच्छे से साफ़ करती जा रही हूँ और मैं उसको डिटर्जेंट पाउडर से ही साफ़ कर रही हूँ। ब्रश से सभी जगह मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और नीचे भी थोड़ा बहुत पानी फैल गया था, तो बस उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो किनारे बने हुए हैं तो उनमें थोड़ा बहुत कचरा भी फंस जाता है। तो बस वहाँ मैंने सभी जगह साफ़ कर लिया था और फिर इसके बाद जो वॉश बेसिन है तो वह भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, और जो ब्रश है तो ब्रश को मैंने धुल लिया था। और फिर इसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। पोछा मैं हमेशा डिटर्जेंट पाउडर डालकर ही लगाती हूँ, क्योंकि इससे जो नीचे टाइल्स पर जो चिपचिपाहट रहती है तो वह भी निकल जाती है। फिर इसके बाद मैं बेडरूम में पोछा लगा रही हूँ, और किचन से होते हुए मैंने सभी जगह पोछा लगा लिया था और फिर बेडरूम में भी पोछा लगाती जा रही हूँ। फिर पोछा भी लगता जा रहा था और सभी जगह पोछा लगाने के बाद बस यहाँ पर भी मैं पोछा लगाऊंगी और बस यहाँ से होते हुए सभी जगह पोछा लगा लूँगी। और जो पानी का मटका रखा हुआ है तो उसके पास भी मैं हमेशा ही एक मैट डालती हूँ, क्योंकि पानी जो घड़े से रिसता है तो थोड़ा बहुत ज़मीन पर भी फैल जाता है, तो टाइल्स पर गिरने का भी थोड़ा बहुत डर होता है, तो इसलिए हमेशा मटके के पास एक मैं मैट रख देती हूँ। पोछा लग गया था, पोछा लगने के बाद फिर मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद जो बर्तन धुले हुए हैं तो उनको भी मैं सेट करती जा रही हूँ। बर्तन सेट हो गए थे तो उसके बाद जो चाय के कप वगैरह रखे थे तो उनको भी सभी को भी मैंने सेट कर लिया था। फिर इसके बाद मैं बना रही हूँ जीरा राइस, और साइड में बन रही थी छोले की सब्जी, और इसकी रेसिपी मैं आज नहीं दे रही हूँ। जीरा राइस बन रहे हैं और बस इसमें मैंने पानी वगैरह सब कुछ डाल दिया है, और फिर कुकर को मैं बंद कर दूंगी, और जब तक जीरा राइस बनेगा तब तक जो सब्जी बन रही है तो उसकी प्रोसेस को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मसाला भून गया था, और मसाला भूनने के बाद जो छोले बॉईल किए हुए थे तो उनको भी मैं डाल दूंगी, और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और मैं बना रही हूँ आलू और छोले की सब्जी। मसाला भुन गया है तो छोले को मैंने अच्छे से डाल दिया था और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया था, और जो बॉयल आलू किए हुए थे तो वह भी मैं डाल दूंगी। और जिस पानी में मैंने छोले बॉयल किए थे तो वह भी मैं इसमें डाल दूंगी। फिर इसके बाद छोले भी बन चुके थे, इसमें हरा धनिया मैं ऐड कर दूंगी, और फिर बनाऊंगी मैं भटूरे, क्योंकि पार्क से भटूरे खाने का काफ़ी मन था। तो सब्जी बन गई है, फिर इसके बाद जीरा राइस भी बन चुका था, तो धनिया मैं काट लूँगी और इसमें हरा धनिया भी डाल दूँगी, और फिर इसके बाद मैं पार्क को भी जीरा राइस दे दूँगी, क्योंकि अभी भटूरे बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो पार्क को तब तक मैं जीरा राइस दे दूँगी। फिर मैंने पार्क को जीरा राइस दे दिया था, और फिर इसके बाद जो भटूरे का आटा था तो वह मैंने पहले से ही लगा कर रख दिया था, और उसको 2-3 घंटे के लिए रेस्ट कराना था, तो इसलिए मैंने आटा पहले ही लगा दिया था। आटे की खिलक मैंने बाद में लगाई हुई है। मैदा मैंने ले लिया था, मैदा में मैंने डाला था 2 चम्मच सूजी, थोड़ा सा मीठा सोडा, नमक, और साथ में डालूंगी 1 चम्मच घी। इतनी ही चीज़ें मैंने डाली थी। फिर इसके बाद जो आटा है तो इसको मैं सॉफ्ट आटा लगा लूंगी, और लिया था मैंने 1 कटोरी दही, तो दही से मैं आटे को तैयार कर रही हूँ। और 1 कटोरी मैंने दही डाला था, और थोड़ा सा मैंने पानी लिया था, और
दही मैंने खट्टा लिया था, फिर आटा तैयार हो गया था और इसको मैं अच्छे से ढककर रख दूंगी और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए इसको रखूंगी। और आटा मैंने शुरू में ही तैयार कर लिया था क्योंकि उसकी क्लिप मिस हो जाती है इधर उधर, तो इस वजह से मैं एक साथ क्लिप लगा रही हूँ। फिर आटा तैयार हो गया था और बस इसको मैंने थोड़ी देर अच्छे से मसला और बस इसके भटूरे भी मैं बना लूँगी। और बच्चों को इस तरीके की चीज़ें तो काफ़ी पसंद होती है और अब बच्चों की छुट्टियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं, तो बस बच्चों को जो भी पसंद होता है, तो अभी जब तक घर पर हैं तो वह कुछ ना कुछ बनवाते रहते हैं और खाते ही रहते हैं। फिर इसके बाद जो भटूरे थे तो वह भी बनते जा रहे थे और मैं इसको भटूरे ज़्यादा बड़े नहीं बनाऊँगी, बस थोड़ी से थोड़े बड़े साइज़ के ही बना रही हूँ। फिर जो भटूरे थे वह सीखते जा रहे थे और बस फिर मैं खाना भी लगा दूंगी पार्क के लिए। फिर भटूरे भी बन गए थे और थाली मैंने लगा दी थी और पार्क और हस्बैंड दोनों लोग खाना खा लेंगे। फिर उसके बाद जो बाकी के भटूरे थे तो उनको भी मैं बनाती जाऊंगी और बस इसी तरीके से मैं बनाती जाऊंगी और सबको गरम गरम भटूरे देती जाऊंगी। बच्चों को इस तरह की चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं और उनको वो बड़े ही शौक से खाते हैं। फिर बस पार्थ को रसमल को दोनों को मैंने खाना लगा दिया था और जो बाकी के भटूरे हैं तो उनको भी मैं बनाती जाऊंगी और सभी को देती जाऊंगी। और फिर जो भटूरे थे तो वह भी बन गए थे और फिर इसके बाद जो बाकी के काम है तो वह भी मैं कर लूंगी। फिर इसके बाद जो किचन क्लीन रह गई है तो किचन क्लीन मैं कर लूंगी। किचन क्लीन करने के बाद फिर जो बर्तन है तो बर्तन भी मैं साफ कर लूंगी। और जब इस तरीके से कभी कुछ बनाते हैं तो बर्तन भी बहुत सारे निकलते हैं, तो बस बर्तनों को मैं धोती जाऊंगी। और बर्तन धोने के बाद फिर जो सारा काम था मेरा हो चुका था और वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।